क्या अंडे लगाओ ना साहब। नहीं लगाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फिजा कांजू। तुमने जो गुड न्यूज देनी थी। खड़ पूरा ना चाहे कि चादर। ठहरो बे ठहरो, हमको डर लगता है। अरे तुमको ठंड लगेगी, तुम्हारे फायदे के लिए रखे हुए। मेरी सिस्टर की जर्सी पड़ी हुई है ना, मैं ले आऊंगी, मुर्गी को पहना दूंगी। काम क्या करो, तुम इनको सुलाए भी अपने साथ ही करो। अस्सलाम वालेकुम गाइस। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज का जो हमारा व्लॉग है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। अभी मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाने लगी हूँ और वो चीज़ ये है कि ये देखें, अब आप यहाँ से खुद गेस करें कि ये क्या है। आपको नज़र आ रही होंगे शक्लों से ये। तो अभी हम इनको ऊपर, जैसे आपको दिखाया था इनका जो हमने बनवाया था बॉक्स, उन्हें अब हम इनको रखेंगे। और मैंने सोचा ये अभी हम लोड होके आई हैं कहीं से, मैंने सोचा आप लोगों को दिखाऊं, तभी हम इनको ऊपर लेके जाते हैं। तो स्टे ट्यून्ड, लेट्स कंटिन्यू आवर व्लॉग। अजाने भी हो रहे हैं, मिलते हैं कुछ देर के बाद। तो जी ये मुर्गों के लिए जो है नीचे इसमें जो है पिंजरा है, इसमें रखने के लिए सारा मुर्गियाँ ठहराएंगे। तो उससे पहले जो है ये उनका क्या फर्नीचर का जो होता है, फर्नीचर का क्या होता है, भूसा बुरादा जो होता है, वो जो फर्नीचर का, फर्नीचर को करते हैं ना, उसको नीट करते हैं, तो उसका जो होता है ये वो है। तो इसके ये मुर्गियों के नीचे रखेंगे ताकि जो उसकी बीट वगैरह होती है वो नीचे ना चिपके और उनको ठंड भी ना लगे, क्योंकि ये सारा पिंजरा जो है लोहे का है और पिंजरे में एक हम शेरनी को ढकने वाले हैं। शेरनी नहीं ढक सकती। चलो डालो डालो, बीच में घुस जाओ ना। जी जी अच्छा। तो ये देखें ये डब्बा अंदर चला गया। क्या करना है अब, पूरा इसको बिखेरना है। कैसी लग रही हूँ मैं? हेलो मानो, मैं हाँ ऐसे 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 नीचे तो ना भैंक, पीछे इधर बाहर, हाँ ऐसे, हाँ चल डालो डालो। हेलो म्याऊ, हाय। हाँ जी, तो ये देखें ये मैंने ये काम कर लिया है, इसमें ये सारा फैला दिया है अच्छे तरीके से थोड़ा, और ये बचा भी हुआ है। और ये मैं उनकी खुराक बना रही हूँ। ये रोटी बनाई है हमने इनके लिए, छोटे छोटे उनके पीसेस कर रहे हैं। और ये मैंने आधा यूज़ किया, आधा पड़ा है, नेक्स्ट टाइम 2-3 दिन बाद ये निकाल लेंगे और फिर इसको डाल देंगे, क्योंकि इसमें स्मेल हो जाती है। अगर हम ये ज़्यादा टाइम तक रखेंगे तो स्मेल हो जाएगी, वो फिर हमें भी होगा, उनकी समझ सकते हैं ना आप। तो ये निकाल लेंगे और ये हाँ जरासीम वगैरह होते हैं तो वो बीमार भी हो जाती हैं। ये जो मुर्गियां हैं ये अंडे वाली मुर्गी हैं, क्योंकि सर्दियां हैं तो देसी अंडे भी खाने को हमें मिलेंगे, और जो है साथ साथ मुर्गियां में शुगर भी लगा रहेगा। आज मोहम्मद हैदर नहीं है, वो अपनी नानों के घर गया हुआ है। ये मुर्गियां आई हुई है, नेक्स्ट व्लॉग इंशाल्लाह मैं उसके साथ बनाऊंगी, वो बहुत जो है फन करेगा, उम्मीद तो है, क्योंकि उसको बहुत पसंद है कोको कोको। ये देखिए ये मैं घोंसला बना रही हूँ, जल्दी बनाओ। ये घोंसला जिसमें मुर्गियाँ अंडे देंगी, नेस्ट, एग नेस्ट। बस ठीक, थोड़ा खुला करो उसको, ये मुर्गी बड़ी होती है, जगह और खुला करो, नीचे है सेंटर में तो खाली है, सेंटर में खाली है ना सर। हाँ देखो अब ठीक है, अब ठीक है, हाँ ठीक है। एक रखो और दो, ये तीन, ये चार, पाँच मुर्गी है, तीन बनाओ, तीन बस काफी। ये सबका टाइम एक ही होता है। इधर ना रखो ना सामने साइड पे, इस चुंड पे रखते हैं, इस चुंड पे ना रखो, उधर आगे करके रखो। चलो चलो रखो इसी तरह, एक ये दो और बना के रखो, तीन बस काफी। तो ये देखें ये घोंसला नंबर, ये सॉरी घोंसला है ना, हाँ ये घोंसला नंबर 1, घोंसला नंबर 2 वो पड़ा है, और ये घोंसला नंबर 3 ये है। अब ये तीन बना दिए हैं, ये देखें ये मैडम लगी हुई है अपने काम को। चश्मा लगाए ना, चश्मा लगाओ ना सर। नहीं, चश्मा लगाओ ना साहब। नहीं लगाते। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है फिजा कांजू। अब ये देखें ये उनके पानी पड़ा हुआ है मुर्गियों के लिए, और ये उनके खुराक जो हमने रोटी बनाई थी, ये जो हमने रोटी के टुकड़े किए थे ये वो हैं, और ये पानी है। हम मुर्गे निकाल के इसके अंदर रखते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और ये देखें अब ये उनका पानी और खाना भी रख दिया, सब कुछ ऑल डन। भाई मैंने तो बोला अब ये मैंने जो काम मैं कर सकती थी कर लिया, अब ये मुर्गियां अंदर रखने वाला काम आपका है, हमसे ना हो पाएगा ये काम। हमसे बकवास करने के लिए। यस, एमए खाम का कोई काटी वाटी करने को पता चलता है। और अभी आपने स्टे कनेक्टेड रहना है, अभी मैं आपको एक चीज़ और भी दिखाती हूँ, और वो देख के आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होने वाली है। तो
वेट करिएगा, आप लोग कहीं जाइएगा मत, व्लॉग को देखते रहें एंड तक देखिएगा। सो अब ये देखें जी, ये इनको अंदर डाला जा रहा है, शफल किया जा रहा है, शफल शफल। ये मेरी अम्मा और साथ में खड़ खड़ पूरा ना चाहे कि चादर को ठहरो बे ठहरो, हमको डर लगता है। अब ये देखें जी, ये इनके पाँव को आजाद, ये ब्लैक मुर्गी है, मुर्गी है ना जैसे। अब ये अब अंदर रखेंगे। अगर तूने फिर पूछा ना मुर्गी है या मुर्गा है, फिर तेरी खैर नहीं होगी। इतनी बंदे में सेंस होनी चाहिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, जल्दी जल्दी काटो वो ना निकल जाए। ये मुर्गा है। हाँ ये मुर्गा है, इसको इसको निकालो। मुर्गा शरीफ है या बदमाश है? मुझे बस ये पूछना चाहिए था, मुर्गा हैदर पे गया है या मुर्गा मुझ पे गया है? तुम पे गया है, फिर तुम तो हैदर से ज्यादा बदतमीज हो। फिर शरीफ होगा। अगर मुझ पे गया है तो फिर शरीफ होगा। शरीफ है यार, शरीफ है। फिलहाल सस्ता जुगाड़ लगा रहे हैं इनके दरवाजे को बंद करने के लिए। इसका लॉक आया हुआ है ना नीचे? लॉक आया पड़ा है ना इसके लिए? हाँ लॉक, वो जो लगाएंगे घर का हमारा तो नहीं होता लॉक। हाँ नीचे मैंने देखा जो दूसरा वो छोटे वाला वो लगाएंगे इसको। अब देखें जी, ये हमारी 5 मुर्गियाँ हैं और एक मुर्गा है। ये ऑफ सो के आपको नजर आ ही रहे होंगे। अब ये अपने काम पे लग गए हैं, खाने पीने पे। मुर्गा खा रहा है? हाँ मुर्गा वो खुराक खा रहा है, वो तो ऐसे चुग रही है। ये जो खुराक थी ये मुर्गे की थी असल में, जो वो खा भी रहा है। मुर्गे की नहीं थी, सबकी थी। आई मीन के जो रोटी मुर्गा खाता है ना, मुर्गियों के लिए तो और खुराक आएगी ना। जार सारों के लिए ये भी है और भी आएगी, क्योंकि अभी ये इसलिए डाला है इनको क्योंकि अभी हमारे पास नहीं था ना, अभी न्यू आई है ना, अभी हम लेकर आए हैं ये। तो वो जो है फिर वो ब्लाउज लेने गया ना फीड उनकी, वो कहते हैं कि जो अंडे वाली मुर्गियाँ होती है ना उसके लिए कोई 13 नंबर होता है, 13 नंबर वो फीड होती है, फिर वो डालेंगे ये। वैसे वो कह रहे हैं कि अंडे देने वाली हैं, अभी दे रही हैं अंडे। ओके स्टार्ट हो रही हैं अंडे देना, मतलब एक हफ्ते से ये अंडे दे रही हैं, ये पहली दफ़ा अंडे दे रही हैं, एक हफ्ता हो गया। और ये पूरा साल अंडे देती हैं ये वो वाली मुर्गियाँ। तो अब जो है एक हमने जो गुड न्यूज़ देनी थी अब दे दें। क्या दे दें? हाँ दे दो। चलें ठीक है, फिर मज़ीद मुर्गियों के साथ हम व्लॉग बनाएंगे। अब तो रोज़ ही बनता रहेगा, सो आपको किसी दिन निकाल के भी दिखाएंगे। अभी थोड़ा थोड़ा नई नई है ना, सो थोड़ा दिल कांपते हैं, हमको डर लगता है। जब प्रैक्टिस हो जाएगी फिर दिखाएंगे, अभी जितना हो सका था। अब ये देखें ये अलग अलग हो गई हैं, अब आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आएगा। ये देखें ये जो है मेरी अम्मा आपको गुड न्यूज़ देंगी, सो दिल थाम के बैठिए। गुड न्यूज़ दिखाने वाली है, गुड न्यूज़ है दिखाने वाली। तो आइए मेरे साथ, जो हमने किचन गार्डन की सब्जियां लगाई थी वो हमारी मेहनत जो है वो रंग ले आई है। यस यस, हम हो गए कामयाब, हमारी मजदूरी रंग ले आई है। जो हमने मजदूरी की थी ना, बस कहते हैं ना कि मेहनत का फल मीठा होता है, और वाकई मीठा होता है। मीठा होता है नहीं, मेरे लिए मेहनत का फल मीठा होता है, मेहनत का फल अच्छा होता है, मीठा भी मीठा होता है, मीठा मिले। सब्जियां कड़वी है ना, ये देखो, ये देखें आप, ये बताती जाएं ये पालक है, ये देखो निकल रही है, हमने लगाई थी इसके अंदर। और ये जो हमारी मिर्चों के जो हैं पौधे, ये भी हरे हो रहे हैं, इट्स मीन कि ये निकल रहे हैं अब वो हो गए। और ये जो है लहसुन हमने लगाया था, ये देखो लहसुन ये निकल रहा है, ये देखो इसकी ये निकल रहा है। और ये जो है लगाए थे ये आई थिंक के धनिया है, ये देखें ये बाद में लगाए थे। ये इसमें आलू लगे हुए हैं, ये देखें एक आलू निकला हुआ भी है और कुछ आलू लगे हुए, वो ये हमने 2-3 दिन हुए हैं लगाए हैं, इसको थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये हमारा जो है ये देखें, ये पुदीना भी अच्छे से ये निकल रहा है, ये पुदीना है। और ये जो है ये मटर हैं, ये मैं दिखाऊँ, ये हैदर के फेवरेट ये वाले मटर हैं। और ये वाले मटर हैं आई थिंक लहसुन है, ये वाले मटर हैं वो लहसुन है। और ये जो है बीच में कुछ धनिया, और वो ये जो है ये हमारे, और ये देखा है ना, ये सबसे मजे की चीज मुझे लगी, ये मूंगरे जो होते हैं, मूंगरे ये निकले भी मट्टी में से यार, इतने प्यारे लग रहे हैं ना स्टाइल से, ये लग रहा है कि वाकई सब्जी निकली हुई है जमीन से। तो ये जो है ये देखो टमाटर की जो पनीर है ये बिल्कुल खत्म हो गई थी, ये वाली अब, हाँ ये वाली, ये देखो ऊपर से अब निकल रही है, इट्स मीन कि ये अब निकलेगी। तो ये बैंगन भी बिल्कुल सूख गए थे, अब ये भी हरे हो रहे हैं सारे, मतलब कि ये सारा कुछ निकल रहा है। और ये देखो ये जो है ये आई थिंक वो मेथी है, मेथी या पालक है, ये पूरा अभी कन्फ्यूजन है कि नहीं पता चला। ये सारे देखिए, ये पालक है, ये भी अच्छी निकली हुई है,
मेथी मैं आपको दिखाती हूँ, मेथी जो है वो सबसे पहले निकली थी। सबसे पहले जो हमें देख के तसल्ली जिस चीज़ को हुई थी, हमें लगा था कि हमारी मेहनत रंग ले आई है, वो मेथी थी सबसे पहले। ऐसे ही है ना, सबसे पहले मेथी निकली है, मेथी सबसे पहले निकली है। अब मैं आपको दिखाती हूँ, बाकियों का तो मुझे नहीं पता, बट एक टब में जो लगाई थी मुझे वो याद है, वो निकली भी अच्छी खासी हुई है, पता लग रहा है कि वो मेथी है। ये देखिए, ये देखें, ये मेथी है, ये जल्दी मेथी निकलती है। पालक को और धनिया वगैरह को थोड़ा टाइम लगता है, धनिया को तो 8-10 दिन लगते हैं निकलते हुए, मेथी जल्दी निकलती है। ये देखें, ये जो मैंने हरे प्याज लगाए थे ये बिल्कुल सूख गए थे, अब ये ग्रीन होना स्टार्ट हो गए हैं। ये लीमू है, लेमन का पौधा है, और ये जो है वो जो झुमका झुमका बेल होती है ये वो है, ये पूरी दीवार पे जाएगी, ये प्यारी लगेगी इस तरह। ये धनिया है, ये देखो ये धनिया निकली हुई है सारी, कितनी प्यारी लग रही है ये धनिया। मतलब हर चीज वो जो है ना निकलना स्टार्ट हो गई है, कुछ मट्टी से ऐसे मट्टी उठ रही है, कुछ जो है वो निकल आए हैं पौधे। तो आप यकीन करें, इतनी खुशी हुई है मुझे कि मैं डेली आके इसको चेक, इन पहले तो मैं परेशान हो गई, पता नहीं निकलते भी हैं, क्योंकि हमें नहीं पता ना कि भाई कितने टाइम बाद ये, और हमने लगाए भी एक ही दिन नहीं लगाए इकट्ठे। हाँ, वो जिस तरह वो आते गए ना बीज, या वो मतलब ये पनीर वगैरह, तो उस तरह से मैं ना मैं लगाती गई। तो फिर कल मैं थोड़ी परसों में परेशान हो गई थी, पता निकलते भी है, परसों निकली हुई थी मेथी, पहले दिन मेथी सिर्फ निकली थी, बाकी कुछ भी नहीं निकला। वो देखो लड़ रहे हैं वापस में, सारा तरा काट देते हुए मरो। हाँ, तो फिर ये देखे सारा जो है वो सारा, अब मैंने इसमें ये एलोवेरा मेरा बाहर लगा हुआ था, तो ये मैंने निकाल के ना ये देखो एलोवेरा भी लगाया इसमें, ये इसके जो है ये काफ़ी सारे मैंने ये गमलों में, छोटे गमलों में एलोवेरा लगाया। एलोवेरा जो होता है वो बहुत ही मुफीद चीज़ है बालों के लिए, स्किन के लिए, और खाने के लिए, पेट के मसलों के लिए, ये बहुत अच्छा होता है। और एलोवेरा तो हर घर में होना चाहिए, तो एलोवेरा मेरा बाहर भी, गेट के बाहर जो छोटी सी वो बनी हुई है जगह जहाँ मैंने अनार वगैरह लगाए हुए, वहाँ पे भी लगा हुआ है बहुत सारा, और यहाँ पे भी मैंने लगाया है। जिन्होंने स्टार्टिंग वाले हमारे ब्लॉग्स देखते थे, जो उनको पता होगा कि मैं कहाँ की बात कर रही हूँ, मेरी मम्मा चेक कर रहे हैं, देखें ये पाँव मार मार के ये बाहर गिरा रही है, ये देखें पाँव चेक करो इन्हें। अरे तुमको ठंड लगेगी, तुम्हारे फायदे के लिए रखे हुए। मेरी सिस्टर की जर्सी पड़ी हुई है ना, मैं ले आऊँगी, मुर्गी को पहना दूंगी जर्सी, इसको पहनाओगी ना तुम? हम ऐसा करते हैं, इनकी नाप लेंगे ना, इनके लिए जर्सी हम बनाते हैं, और इनके लिए वो जो इनकी फिर पैंपर भी ना पहना है, पहना देते हैं, पैंपर वाला मशवरा तो अच्छा है ना, कपड़े पहना के इनको काम किया करो, तुम इनको सुलाए भी अपने साथ ही करो, ठीक है? तो पैंपर पहन के तो सो सकती हैं आराम से, वो तो तुम्हारे साथ भी सो सकती हैं मेरे से उठाई भी नहीं जा रही थी उनको, और नहीं रहा था, मैंने कहा मेरा दिल दहक रहा है, जरा एक दो दिन होगा ना, जरा दिल दहक रहा, मुझे डर लगता है, आग लगी हुई थी, दहक रहा था, आग नहीं, तो देखता हूँ, देखती चीज हो रही थी, आग वाली चीज देखती है, पता है तुम्हें, दिल हिल रहा था या वो हो रहा था, धक धक कर रहा था, ये कहती ना, देखना होता है कि वो कोई चीज गर्म हो तो वो उसको जो अपने पीक पे जाती है वो बिल्कुल वो देखती है। ओके ओके ओके, यू आर राइट, आई वाज रॉन्ग, आई वाज रॉन्ग। कुछ जो मुर्गियाँ होती हैं ना, वो कुछ शरीफ होती हैं, कुछ बदतमीज़ होती हैं, कुछ ख़ानदानी होती हैं, कुछ नस्ली होती है, तो डिफरेंट काइंड्स होती हैं ना। अब मुझे नहीं पता कि ये कैसी थी, अब देखने में तो ये लग रही हैं थोड़ी शरीफ, मज़ीद एक दो दिन रहेंगे, खेलेंगे, करेंगे, फिर हो जाएगा फिर इंशाल्लाह। सो ये था हमारा आज का व्लॉग, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो अभी मेरी अम्मा ने आपसे कुछ कहना है, बात करनी है, सो उनकी भी सुन लें थोड़ी सी। तो यहाँ पे करते हैं हमारा हम अपना आज के व्लॉग का एंड। तो आपको ये हमारी मुर्गियाँ और जो मैंने किचन गार्डनिंग की सब्जियाँ लगाई थी वो कैसी लगी, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मुझे फीडबैक दिया करें, कमेंट किया करें, आप बताया करें कि आपको हमारे व्लॉग्स कैसे अच्छे लगते हैं, कुछ कमी होती है या कुछ उसमें होता है, आप लोगों को चीज़ अच्छी नहीं लगती, या आपके पास कोई सजेशन है हमारे लिए, तो आप ज़रूर बताया करें, ताकि हम जो है थोड़ा खुद को इम्प्रूव करें और ट्राई करें कि आपके मुताबिक मज़े मज़े के व्लॉग्स लेकर आएँ। तो आप हमारे व्लॉग्स को ज़रूर एंड तक देखा करें, फुल देखा करें, और कोई भी पार्ट मिस ना किया करें। तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और करते जाएं अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में, जहाँ जहाँ भी आप शेयर करना कर सकते हैं तो ज़रूर किया करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। Thank you.